PSL 5 के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचेस के इंतजाम हतमी मरहल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर आमर खटक की जेर सदारत इंतजामिया का जायजा इजलास ADC कमरुलजमान कसरानी, तैयब खान हदायतुल्ला और SSP ऑपरेशन काशिफ असलम की शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुल्तान से वकार हुसैन। जी बिल्कुल, PSL 5 के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैचेस के इंतजाम हतमी मरहल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत इंतजामिया का जायजा इजलास ADC कमर जमान कैसरानी, तैयब खान हिदायतुल्ला और SSP ऑपरेशन काशिफ असलम की शिरकत। इजलास में तमाम ACs सेहत वासा ट्रैफिक पुलिस कारपोरेशन और मुतलका महकमों के अफसरान की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया के इजलास को ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर स्टेडियम जाने वाले रूट की रोजाना की बुनियाद पर खसूसी सफाई का हुक्म दे दिया गया। स्टेडियम जाने वाली शाहराहों के डायवर्टर्स की स्क्रैपिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर तमाम शाहराहों और फ्लाई ओवर पर स्ट्रीट लाइट 100% बहाल की जाएंगी। आमिर खट्टर फर्स्ट एड फराम करने के लिए स्टेडियम के अंदर 10 बेड का मिनी हॉस्पिटल कायम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर स्टेडियम के बाहर भी महकमा सेहत कैंप लगाया जाएगा। आमिर खट्टर रेस्क्यू 1122B क्रिकेट ग्राउंड में कैंप लगाएगा। डिप्टी कमिश्नर वासा 5 दिन के अंदर रोड पर सेवरेज के इश्यूज को हल करे। आमिर खट्टर डिप्टी कमिश्नर का मैचेस के टिकट ब्लैक में फरोख्त करने का भी नोटिस। PCB मैचेस के मौका पर शायकीन के लिए टिकट फरोख्त करने के लिए सेल पॉइंट कायम करे। आमिर खट्टर ब्लैक में टिकट फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर तमाम इदारे इंतजाम को परफेक्ट बनाने के लिए भरपूर कोशिश का। आमिर खटक PSL की मेजबानी मुल्तान के लिए एक एजाज है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट की मेजबानी के लिए मिसाल इंतजाम कायम किए जाएंगे। आमिर खटक टीमों को मुख्तलिफ लेवल पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। SSP काशिफ असलम एयरपोर्ट होटल्स क्रिकेट स्टेडियम का सिक्योरिटी प्लान तैयार है। SSP ऑपरेशन क्रिकेट स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए 2500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। SSP रूट और स्टेडियम के अतराफ में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। काशिफ असलम स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी की गर्ज से 100 कैमरे लगाए जाएंगे। SSP ऑपरेशन स्टेडियम जाने वाले रूट्स पर सिक्योरिटी कैमरे लगाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है।